नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्थ थिंक। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो बहुत कॉमन है, खासकर बच्चों में तो ये अक्सर दिखाई देता है। आपने कई बार देखा होगा होठों के आसपास इस तरह के ब्लिस्टर्स यानी फोले या छोटे घाव उभर आते हैं। बोलचाल की भाषा में लोग इसे पेट की गर्मी या भीतर का बुखार कहते हैं। मेडिकल भाषा में इसे कोल्ड सोर या फीवर ब्लिस्टर्स कहते हैं। आज हम आपको कोल्ड सोर के बारे में बताएंगे कि आखिर ये क्यों होता है, इसका इलाज क्या है और फीवर ब्लिस्टर्स को लेकर क्या सावधानी रखनी चाहिए। आपके लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि फीवर ब्लिस्टर्स को कब नज़रअंदाज ना करें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात, हेल्थ थिंक आपको सेहत से जुड़ी ज़रूरी और साइंटिफिक जानकारी देता है। अगर आपको हमारी जानकारी और वीडियो पसंद आते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। साथ ही हमारे वीडियो की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके इस छोटे से जेस्चर से हमें बहुत हौसला मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर फीवर ब्लिस्टर्स होते क्यों हैं। दोस्तों, भले ही हम बोलचाल की भाषा में इसे भीतर का बुखार या पेट की गर्मी कहते हैं, लेकिन हकीकत में ये फोले एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। वायरस का नाम है HSV-1, यानी ह्यूमन सिंप्लेक्स वायरस 1। HSV-1 नाम का ये वायरस कई बार हमारे शरीर में बहुत पहले से मौजूद होता है, लेकिन इसका असर तब दिखाई देता है जब किसी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। दोस्तों, HSV-1 का एक दूसरा रूप भी है जिसे HSV-2 कहा जाता है, और ये अलग तरह की ज़्यादा गंभीर बीमारी पैदा कर सकता है जिसे हर्पीस कहते हैं। HSV-2 के इन्फेक्शन से इसी तरह के ब्लिस्टर्स प्राइवेट पार्ट पर आ जाते हैं। बहरहाल, अब हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये HSV-1 यानी फीवर ब्लिस्टर्स के वायरस का इन्फेक्शन कैसे होता है और इससे बचा कैसे जा सकता है। तो ज़्यादातर मामलों में ये वायरस संक्रमित व्यक्ति को किस करने, उसके जूठे बर्तन या तौलिये का इस्तेमाल करने से फैलता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति को कोल्ड सोर है तो उसकी इस्तेमाल की गई चीज़ों को हम तब तक ना इस्तेमाल करें जब तक उसे ब्लिस्टर्स पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते। अब बात इलाज की, तो दोस्तों, ज़्यादातर केसेस में फीवर ब्लिस्टर्स 15 से 20 दिनों के भीतर खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। चूँकि ये एक वायरल इन्फेक्शन है तो किसी तरह की एंटीबायोटिक या दूसरी दवा ज़्यादा कारगर नहीं होती है। हाँ, अगर दर्द ज़्यादा है तो पेन किलर ले सकते हैं। इसमें भी एस्प्रिन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इससे एक बहुत ही रेयर लेकिन ख़तरनाक सिचुएशन जिसे रई सिंड्रोम कहते हैं, उसके पैदा होने की आशंका बनी रहती है। अगर ये ब्लिस्टर्स खुद ठीक नहीं होते हैं या बार बार हो रहे हैं तो ज़रूर किसी डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है। आखिर में एक और ज़रूरी बात जिसका ध्यान फीवर ब्लिस्टर्स के दौरान ज़रूर रखना चाहिए, HSV-1 का इन्फेक्शन आँखों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसलिए अगर होठों के आसपास ब्लिस्टर्स हों तो उसे छूने के बाद आँखों को छूने से बचना चाहिए, नहीं तो इन्फेक्शन आँखों में फैल सकता है और आपको मुश्किल में डाल सकता है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और सेहत से जुड़ी साइंटिफिक जानकारी पाते रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलेंगे सेहत के कुछ और अच्छे टिप्स और जानकारी के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल। थैंक यू टीम हेल्थिंग।